हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होमी राज। और थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट वीडियो में इतना इतना प्यार दिया। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दोबारा से वर्ष मेकअप की, तो आज मैं आई हूँ एक सलोन में। तो ये हमारे एरिया में ही है, लेकिन थोड़ा सा दूर कर कर है, तो आज मैं खुद आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने पॉलर वर्क घर पर बुलाया था, तो आप लोगों ने इशू उठाया था मैं खुद नहीं गई है वो, तो इस दफ़ा मैं खुद सलोन में आई हूँ। और मैंने सुबह काफ़ी अच्छा मेकअप करती है ये, तो मेरे से ये पार्टी मेकअप की मांग रही थी 1500, तो 1000 में बात हुई है। तो देखो जैसा मेकअप मैंने उनको दिखाया है, मैंने ब्लू और पिंक में उनको बोला है, तो लेकिन ड्रेस में ग्रीन लगाया मैंने। अब देखो कौन सा वो करती हैं। तो यूं ही मेरे साथ रहिएगा। और मेरे साथ सर भी आई है, लेकिन सर बैठी हुई अभी गाने वाने सुन रही है। तो अभी चलते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अभी होने लगा हमारा मेकअप स्टार्ट। ये पार्लर थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, ये पता हर जगह नहीं अलाउ करते वीडियोस वगैरह बनाना, तो इनसे भी बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी। तो इन्होंने मेरे फेस पर मॉइस्चराइज़र इन्होंने बोला लगाया है, तो बाहर से थी काफ़ी मेरी डस्टी स्किन हो रही थी, चाहिए उनको अच्छे से क्लीन करना, उन्होंने नहीं किया, मुझे ये मॉइस्चराइज़र लगाया। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं कैसे होने लगा मेकअप। तो अब वो स्टिक लगा रही है, और क्रिस्टीन की स्टिक लगाई थी उन्होंने, और तो मेरे कलर से काफ़ी डार्क कलर था। और ये भी करेक्टर लगा रहे हो? और मैं उनसे यही पूछी थी कि ये करेक्टर लगा रही है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये स्टिक लगा रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी कलर डार्क था, करेक्टर जैसा कलर आ रहा था इसका। और वो खुद भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी जो हमारी पार्लर वाली थी, तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, बट मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल रखे पूरा टाइम में पार्लर में बैठी, क्योंकि मेरे पीछे ही सबा थी, सबा भी साथ गई हुई थी, तो मुझे बहुत हंस आ रही थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल करा, और देखते हैं फिर कैसे आगे का बेस होगा, कैसे रबिंग करेंगे। बाकी ये पार्लर वाली बड़ी रूड थी, जब जब मैंने कुछ ही पूछा फिर बहुत ही रूड जवाब मिला, जब जब कुछ पूछा। उन्होंने काफ़ी स्टिक मेरे फेस पे लगाई, मैं यही हैरान हो रही थी कितनी लगेगी, अब बस कर दें बस कर दें, पूरा मुंह मेरा जो है ना बेस बेस हो रहा था। तो मैंने उनसे यही पूछा बाद में कि ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है आपके पास? उन्होंने बोला नहीं मैं इसी से ब्लेंडिंग करती हूँ, कि एक ही ब्रश था वही पूरे फेस पर मेरे पेंट हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था। जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह का पूछा, उन्होंने बहुत रूड बोला कि नहीं हम इसी से करते हैं, आप कौन सा यूज़ करती हो? मैं वही चुप हो गई। फिर ये चुप रहा, आपके पास ब्लेंडर नहीं है? नहीं, हम लोग इसी से यूज करते हैं, बस यही है हमारे पास, इसके अलावा नहीं। ये अच्छा बेस बिठाता है। पता नहीं ब्लैंड नहीं हो रहा था, पोचा लग रहा था पूरे फेस पे, किस किस के रगड़ रगड़ के वो लगा रहे थे, मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेन करने लग गया था। इसलिए मैं क्या बताऊँ आप लोग को, क्या ऐसा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए था। तो आगे देखते हैं कैसा मेकअप होता है। और इतनी ज़्यादा मेरी स्किन जल रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत इरिटेट हो रहा था, अब मैं परेशान थी क्या लगाने वाली मेरे फेस पर ये। तो यहाँ ये मेरे फेस पे लगा रही थी लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर भी कैसे लग रहा है अब देख लो, बहुत ही रगड़ रगड़ की जो मेरे फेस पे ना ये लूज़ पाउडर लग रहा था, ये मैं बता नहीं सकती। और यहाँ यहाँ तो कुछ ऐसे ही टैलेंट दिखाया उन्होंने आईब्रो के टाइम पे, कि मैं बता ही नहीं सकती आपको, कि मेरी हंसी छूट रही थी
कि मैं क्या बताऊँ, सब पीछे बैठे बैठे इतने दाल निकाल रही थी ना बहुत ज़्यादा, और इतना बुरा ही कोई जो है ना मेरे आईब्रोज बने कि मैं बता नहीं सकती, पूरे ही आईब्रोज को मिला दिया था, जैसे जन्नों के बिछड़े हुए थे आज ही मिले हैं दोनों आईब्रो, देखना अभी बड़े ही बुरे मेरे आईब्रो बने। और यहाँ जन्मों के बिछड़े हुए आईब्रो मिल जाते हैं, दोनों प्रेमी आईब्रो जो एक दूसरे से जुदा हुए थे। यहाँ तो पता नहीं मैं क्या बन गई थी आईब्रो के बाद, मेरी समझ से बाहर था। और अभी यहाँ स्टार्ट हुआ था मेरा आई मेकअप, वो स्टार्ट करती सर ना उन्होंने मेरा आई मेकअप ख़राब कर दिया नीचे से, और वही जो कपड़ा मुझे दिया हुआ था उसी दुपट्टे से रगड़ के उन्होंने साफ़ किया, ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल यूज़ नहीं किया, और बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहा खैर आई मेकअप के टाइम पे। तो बड़ी परेशान में बैठी हुई थी यार, कितना कुछ झेलना मुझे। तो यहाँ आ जाती है भाई ब्लशन की टर्न, और ब्लशन के लिए भी मैंने वही ब्रश लिया, कंटूर तो किया ही नहीं, उसी को पूरे नाक पे फैला दिया, पहले मेरा नाक इतना बुरा नहीं, अच्छा स्लिम है, ज़रा सा कंटूर हो तो बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ तो पूरे फेस पे मेरे ब्लशन पिंक हो गया था। और जब मैंने उनको ब्लेंडिंग का पूछा तो खुद ही सुन लेना आप ये क्या बोलती हैं, तो अब आ जाती है यहाँ पे हमारे आई लाइनर का टाइम, तो लाइनर में भी शायद अच्छा लगे, मैं सुनी पर बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा एक आई पे अच्छा लगा, दूसरी आई पे खुद देख लेना बता नहीं सकती। मतलब वो लाइनर लगाने की इतनी जल्दी में थी कि मेरी आँखें चबो दी थी उन्होंने, बड़ी मेरी आईज में एलर्जी हो रही थी, रेड हो रही थी मेरी आँखें, बहुत ही जुल्म हो रहा था। और लिपस्टिक के बारे तो खुद देख लेना मेरा क्या, और पूरी मतलब दांतों के अंदर, पूरे दांतों के अंदर भी लिपस्टिक लग गई थी, वो मुस्कारे के टाइम पर मैं बहुत डर रही थी, मेरा दो बार मेरी तब भी आँख चुभी, बहुत जुल्म हुआ। यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी कि हो गया, बोला नहीं लास्ट टच करना है, तो ये लास्ट टच था उनका कि पूरे फेस पे पाउडर सा लगा दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोले फाइनल टच हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ब्राइडल मेकअप पे क्या चार्जेस लेते हो? मैं 5,000। अच्छा, इस मेकअप में कोई डिस्काउंट करोगे आप मुझे? 1,000 में आपसे बात हुई है ना जी, 500 ले लो, बहुत कम है भाई, इतने थोड़ी लेते हैं, मैंने आपसे फिर भी कम कर दिया। हाँ, लेकिन जैसा मुझे चाहिए तो वैसा तो हुआ नहीं है। अब और इसमें क्या मैं अच्छा करूँ, इतना अच्छा तो मैंने किया, ये देखें ठीक है।
सुबह मेरे पर्स में से पैसे दे दो। क्या लगा रहे हो भैया? जी हाइलाइटर लगा रहे हैं। हेयर स्टाइल बनाओगे? उसके चार्जेस अलग हैं। इसमें नहीं होगा? नहीं ड्यूड नहीं, वो अलग से चार्जेस। हो गया कंप्लीट? ये कुछ रहते नहीं, एक चीज़ है। ये क्या लगा रहे हो? ये ग्लिटर है, ये रह गया था। तो ये ग्लिटर रह गया था, तो ये मेरा भूतिया जो है ना मेकअप हो गई है। बहुत ही मतलब बुसुरी लग रही है। प्लीज़ देखने के बाद मुझे अनसब्सक्राइब ना कर देना यार गाइस प्लीज़। और ये 1000 रुपीज़ जा रहे हैं उनके हाथ में। कुछ भी करते हैं, आपने मेकअप भी अपनी मर्जी से किया तो आपके पास अलग से बिंदिया नहीं पड़ी हुई? आप ले आते, आप लगाने, तुम्हारे पास तो नहीं पड़ी। एक तो ये मेकअप वाली बाजी बहुत रूढ़ थी, जब भी इनसे कुछ पूछो तो यही बोलती थी ले आते यही है हमारे पास। इसलिए मैं चुप करके ही बैठी रही। मैंने कहा इससे बेहतर है चुप रहो। वो बिंदिया उनको पसंद नहीं है और फिर उन्होंने बोला मैं रेड बिंदी लगाऊंगी, तो क्योंकि लिपस्टिक के साथ उन्होंने गोल बिंदिया बना दी। बस एक अभी भी कुछ रह गया, फाइनल टच दे दूँ ना मैं। और अभी भी इनका फाइनल टच रहता था ये पाउडर शाउडर लगाना, तो फिर से मेरे पूरे फेस पे जो ना पोछा लगा पाउडर का, अच्छे से पूरा पोछा लगा रगड़ रगड़ के। वैसे मुझे पसंद तो नहीं है, जैसा मैंने कहा था आपने वैसा तो नहीं किया नहीं है। अच्छा, पर हम लोग तो ऐसे ही ज़्यादातर करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी क्लाइंट्स हैं। फ्रेंड्स ये था मेरा मेकअप, और दांतों को कौन लिपस्टिक लगाता है आज।